સલામુ અલૈકુમ. હેલો યાર, તો પેલીઓ મિત્રો છે, લીઓ બકરીઓ તે લે લીઓ કિયા લે. ઠીક હો ના? ઉમીદ કરતો હું સબ ખેર ખેરિયે સે હોંગે, અપને પ્યારે પ્યારે જાનુ માનુ મજે મેં હોંગે. તો યાર આ ચુકે હૈ હમ લોગ એક ઓર વિડીયો કે સાથ, ઓર અભી ઇસ વિડીયો કે અંદર હમ લોગ ટેસ્ટ કરેંગે બૂટ કેમ્પ સોની એક્સપીરિયા 1 કા. ઓર રિકોર્ડેડ ગેમ પ્લે હૈ ઇસકા, અપના હી રિકોર્ડર યુઝ હો રહા હૈ ઓર ઇસી પે ગેમ પ્લે ભી હોગા. ઓર અગર આપ લોગો કો ये डिवाइस बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है. ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है gadgetspro.pk की तरफ से, और इसके अपने रिकॉर्डर से इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि इसके लिए दूसरा कोई रिकॉर्डर की ज़रूरत नहीं है आपको, और इसका अपना रिकॉर्डर बहुत अच्छे से वर्क करता है. और डिवाइस अगर बाय करनी है तो 27,000 की, अगर मेरा कोड यूज़ करते हो सैमब्रो गेमिंग तो आप लोगों को उसके डिस्काउंट भी मिल जाएगा. बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है. तो अभी फ़िलहाल जो हम लोग ग्राफिक्स खेलेंगे बूट कैम्प के अंदर, स्मूथ एक्सट्रीम ही खेलेंगे, कलरफुल एंटीलाइजिंग 2x और बाकी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने. लेट्स गो, इसको स्टार्ट कर लेते हैं. तो भैया जी, गेम हो चुकी है स्टार्ट, और गेम में एंटर होने की टाइमिंग विद रिकॉर्डिंग 41 सेकेंड्स हैं. और मतलब ये शायद किस वजह से इतना लेट, वैसे इतना लेट होना नहीं चाहिए क्योंकि डिवाइस में किसी किस्म का कोई भी लैग बैग तो है नहीं. और यार जहाँ तक हम लोग इसकी सेंसिटिविटीज़ की बात करें तो सेंसिटिविटीज़ ना इसका ये जायरो और ये बाकी की जो सेंसिटिविटीज़ होती हैं ADS वगैरह सारा कुछ ना बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत अच्छे से. और ग्राफिक्स आप लोगों के सामने हैं, कितने कमाल के शार्प ग्राफिक्स, ठीक है. और मूवमेंट इसकी ठीक है, सारी की सारी चीज़ें बहुत कमाल की, और रिकॉर्डिंग के साथ इतनी स्मूथनेस. अच्छा, नीचे आप लोगों को दरख्त वगैरह नज़र आ रहे होंगे रेंडर होते हुए, और अगर हम लोग जहाज से नीचे बात करें चीज़ें रेंडर होने की, तो सारी की सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रेंडर यहाँ से ही होने लग गई हैं. तो जब हम लोग लैंड करेंगे तो उस टाइम पे रेंडर क्वालिटी भी चेक कर लेंगे कि रेंडर लैग वगैरह का कोई सीन है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर तो यार बहुत अच्छी बात है. या जहाज से जंप करते टाइम तो कोई भी रेंडर लैग वगैरह नहीं है, कुछ भी सीन नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे. ना भी आए तो वैसे भी बूट कैम्प का एक अपना रेंडर लैग होता है. अच्छा, MS मेरी थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही है, 24:28 हो रही है. अगर MS की वजह से कोई इशू हुआ तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से MS के मसाइल आते हैं, ठीक है. ओके, हम लोग थोड़ा सा साइड पे उतरते हैं ताकि हमें ना आइडिया हो जाए. एक पूरा स्क्वाड, ओके, एक और दो तीन, तीन चार एक स्क्वाड हैं, और फाइट शुरू होगी है. यहाँ पर हमें गन भी मिल चुकी है, और हम लोग इसको भी चुकते हैं, अंदर घुसते हैं. ये कहाँ पे था? कहीं का बच्चा. साईं तू साईं, साईं छोटा भी साईं. हाय 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 बूट. अच्छा एक बात बताऊँ, ये रजी डिवाइस में लैग भी नहीं है, लैग भी किसी किस्म का नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा यार मलाई है इसका गेम प्ले. मतलब मुझे इतना नहीं था कि यार इतना भी स्मूथ हो सकता है इतनी सस्ती डिवाइस का गेम प्ले. ओके, बंदे ऊपर जा रहे हैं. अबे भाई, ओ भाई साहब, पूरा का पूरा स्क्वाड बैठा हुआ है. नाइस ओपी गाइस, ओपी ओपी. अच्छा, सारों की ना हेल्थ डैमेज है, इस वजह से ये पूरे का पूरा स्क्वाड बैठा हुआ है. खैर, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि किसी किस्म का ज़रा सा भी लैग इसने नहीं दिया. डिवाइस रिकॉर्डिंग के हिसाब से बूट कैम्प के लिए भी बहुत अच्छी है,
डिवाइस हल्की फुल्की मतलब हीट होती है, लेकिन उतना ही हीट होता है जितना कि मैं कह सकता हूँ, ये बात मैं कर सकता हूँ कि अगर फ़ैन के नीचे आप बैठ के खेल रहे हो, जस्ट फ़ैन इसके पीछे नहीं लगा हुआ, फ़ैन जो नॉर्मल फ़ैन होता है उसके पीछे उसके नीचे बैठ के खेल रहे हो और आपके रूम का इन्वायरमेंट ठीक है, तो ये उतना ही हीट होगा जितना कि आपका नॉर्मल, अगर हम लोग आईपैड की बात करें। और बाकी डिवाइस यार हर हिसाब से कमाल की, अगर आप लोगों ने बाय करनी है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और गाइस मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ दोबारा से, तब तक के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज़।